गाइस नमस्कार, तो सबका स्वागत है खाउन पीउन सुखी संगठन में तिहोर ब्लॉग से चैनल पे। आज एक अलग ब्लॉग होने वाला है, मतलब ना किधर घूमने जाने वाले, ना मोटो ब्लॉग, ना ट्रेकिंग ब्लॉग, आज ये अलग ब्लॉग। अपन एक बंगले का रिव्यू करने वाले, 4 BHK बंगलो, और उसका प्राइस मैं नहीं बताऊंगा, आप पूरा देखो ब्लॉग, आपको समझेगा उसका प्राइस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो बंगलो है सिर्फ और सिर्फ हमारे खास दोस्त का। दोस्त इधर आ, दोस्त या कल्पित भैर का। तो ये आपको तो दिखाएंगे उसका पूरा बंगला, मतलब इसका पूजा कल है, बट अपन एक और ये क्या बोलते हैं वन शॉट ब्लॉग है, मतलब इसमें कुछ कट नहीं होगा, डायरेक्ट आपको वन शॉट ब्लॉग दिखाई दिया जाएगा। चलो चालू करते हैं डायरेक्ट नीचे से। अभी आप खिला नीचे पहला अपन ये मेन एंट्री है डोर का, और डोर पे ही पहले इन्होंने लगाया फिंगरप्रिंट से दरवाजा खुलेगा। यस, दरवाजा खुल गया, लेट्स गो। ये है एकदम नीचे का पैसेज एरिया, और पहले अगर देखोगे इधर राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा लिफ्ट, इधर से डायरेक्ट अपन स्वर्ग में पहुंचेंगे। और उधर ऊपर का व्यू वगैरह देखो एकदम जबरदस्त, और टेंशन की बात नहीं, ये देखो टाइल्स वगैरह देखो एकदम सोफिस्टिकेटेड। अभी आ जाओ ऊपर, ये खाली नीचे का एरिया था, अभी ऊपर जाते लेट्स गो। एंट्री का वॉल है, और वॉल पे एकदम चिड़िया का घोंसला बनाया है, चिड़िया है। और ये तू क्या सिलर और ये है मेन एंट्री, ये पूरा डोर, ये डोर का है किसका है, एनडीएफ शिफ्ट का डोर बना है, एनडीएफ शिफ्ट था, एनडीएफ, हां एनडीएफ शिफ्ट का डोर बना है। लेट्स गो, खोल दो ही खोल रहा है, आ अंदर आ। पहला अपन आएंगे हॉल में, ये है हॉल, इधर देखा और अंदर जरा महिला मंडल बैठा है, उनको इग्नोर मारो, मेरे को देखो। ये देखो पूरा हॉल, शोपीस रखा है जबरदस्त, 101 शोपीस लाया है भाई ने। ये पूरा हॉल है, और हॉल के इधर बालकनी की एंट्री है। ये है बालकनी का एंट्री, और जबरदस्त एंट्री बालकनी का, मतलब एकदम अच्छा मानुस रहेगा ऐसा विषय। चलो बालकनी से अभी ऑफिस फिर से आएंगे, अभी किचन ना, किचन ना, चल किचन में ले जाओ, पिस्ते भाई इधर पिस्ते रखने वाले, अभी तक माशे पकड़ ले नहीं, पकड़ ले सामने, और फिर अभी जाएंगे किचन में। ये देखो किचन, किचन भी एकदम सोफिस्टिकेटेड बना है भाई ने, टाइल भी सेटअप, टाइल्स के ऊपर नीचे प्रोफाइल लाइटिंग वगैरह की एकदम जबरदस्त दिख रहा है, चमकीला केंद्र, और ये देखो पूरा किचन। और वैसे कल इस घर की थोड़ी पूजा है, कल पूजा है ना, हाँ कल पूजा, इसलिए थोड़ा आपको वो भी दिखेगा लास्ट में, सिनेमेटिक में, टेंशन मत लो सब दिखेगा। और ये पूरा एकदम सोफिस्टिकेटेड किचन, ऊपर ऊपर का दिखाओ भाई, दिखाओ भाई, एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। यस, ये पूरा आपने किचन देख लिया है, इधर कटलरी सामान वगैरह रखते हो ऐसा। और ये है डाइनिंग टेबल, एकदम डेंजर, चल चल डाइनिंग टेबल है भाई, टाइम नहीं है, लोकर चल इकड़े, इधर आओ इधर आओ, इधर भाई बाथरूम दिखाना क्या भाई, भाई बाथरूम भी दिखाएंगे। ये देखो इधर इच्छा बहना, मेकअप करो ना भाई जान, मेकअप वेकअप होने वाला है। और इधर बाथरूम देखो, मतलब मैं सब दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इंटीरियर आपको पसंद आएगा जरूर इसका। ये देखो बाथरूम, भाई सब का आवाज पूरा ब्लैक थीम बाथरूम है, एकदम जबरदस्त। ये नल के जो जैगुआर का ये प्लम्बर का ये यूज किया जैगुआर वाला, और सब ये ब्लैक टाइल्स, ये ब्लैक इधर, मतलब ब्लैक थोड़ा थीम रखा है कल्पे भाई ने, और इंटीरियर भी इसने किया है, वो भी मैं बताता है, टेंशन मत लो। चलो आगे चलो आगे, ये है कॉमन बाथरूम ना, हाँ कॉमन बाथरूम है। और अभी जाएंगे फर्स्ट बेडरूम में, चार बेडरूम है और फर्स्ट बेडरूम में जाएंगे, फर्स्ट बेडरूम अगर खोलेंगे, यस ये है फर्स्ट बेडरूम, इसमें कल्पेश के मम्मी पापा सोएंगे, मतलब सोफे चिकेट, ये नीचे वाला है तो इधर सोफे चिकेट, मतलब सब लोग है, इधर देखो यहाँ सो गए, तो
यूजर में पर्दा देता लगे तो पिच कर, क्योंकि ये थोड़ा वास्तु के अनुसार रहता है तो ऐसा पर्दा देता लगाना पड़ता है। ओके तो इधर ऑफ करा, ये हुआ बेड, ये हुआ बेड, और बेड के बाद अगर देखा जाए इधर खुफिया 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 एरिया दिखा था आपको, खुफिया इधर ये देखो खुफिया एरिया डेंजर भाई। बाथरूम देखा है क्या इतना बड़ा, देखो आप उधर तो उधर देखो कितना बड़ा बाथरूम है, इधर ना से दिखाना है ना गाइस, पूरा गाना गाना लगेगा, टेंशन की बात नहीं इसका दिखाना है। और ये टाइल्स मेरे को पसंद है भाई, सिलेक्शन एक नंबर किया टाइल्स का, ये टाइल्स बहुत पसंद है और उसके साथ ये कॉम्बिनेशन लगा है ये भी बहुत अच्छा है। देखो इधर प्रॉपर मतलब लग्जरी बंगलो आप बोल सकते, एकदम लग्जरियस बंगलो। चल लेट्स गो, आगे ऊपर लेट्स गो, किधर जाना भाई ऊपर, चल आ जाओ दिखा दूंगा बॉस। फर्स्ट फ्लोर का था मतलब ये फर्स्ट फ्लोर का मेन फ्लोर है और इसके ऊपर अभी जाएंगे सेकंड फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर का एंट्री मतलब सेम सेम पाइलिंग सेम विषय, बस ये इधर से थोड़ा सा व्यू है, अच्छा सा व्यू, और बाद में ऊपर ऊपर अभी आपको दिखाया जाएगा देव रूम, मतलब जो देव रूम है उधर आपको दिखाया जाएगा। लेट्स गो, मतलब इधर इधर देखो लिफ्ट है, मतलब लिफ्ट से भी आ सकते हैं, चलते भी आ सकते हैं, बट लिफ्ट से आने से अच्छा चल के आएंगे, महंगे व्यायाम बन होएगा ना पैर का, और इधर सोफा रखा है चील, अपन इधर बैठ के चील वगैरह कर सकते हैं। ये देखो मस्त संध्या वाली बस है, चार बट इधर इधर, और इधर मस्त तरीके देव रूम है, गणपति बप्पा वगैरह रखे एकदम प्रॉपरली, और मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है, पूरणपोली का नैवेद्य रखा है आज के दिन। और इधर देखो, इधर देखो ये आराम आराम वाला चेयर है इधर से, और इधर से व्यू दिखा नीचे का ऐसा खतरनाक, ऐसा मत दिखा ऐसा दिखा, अब इसका लाइट बाद में दिखाएंगे चल के। चल अभी इधर आने पहले इधर, अभी ये रूम मतलब ऐसा ही है, क्या बोलते हैं उसको बालकनी टाइप आप बोल सकते हो, बड़ा बालकनी सोफे की वजह से, और इस पर काज भी मस्त लगा है, बाहर का दिखेगा ऐसा, हाँ ये लग रहा है, इधर देखो ऐसा चौका झूले चौका देख कर सकते हो, इधर इधर मस्त, इधर शाम के टाइम चिल के टाइम पास कर सकते हो अपन, इधर बैठ के देखो एकदम वातावरण टाइम। ओके और हाँ ऐसा कुछ है, अभी आगे जाते हैं, आगे जाते इधर इधर ऐसा इधर इधर का झुंबर देखो क्या मस्त लग रहा है, ये मेरे को बहुत एस्थेटिक लगा, क्या लुक है इसका, क्या लुक है, जबरदस्त लुक है। चलो आ जाओ अभी जाएंगे कल्पेश तेरे बेडरूम पे, अभी कल्पेश भर के बेडरूम में जाएंगे, लेट्स गो। ये बेडरूम के हम लोग वार्ड भग रहे थे, मतलब ऐसा कल्पेश भर के ना अपने बाबाचा है भाई, लेट्स गो कल्पेश भर के बेडरूम में स्वागत है। वैसे इधर इन्होंने ये रखा है थोड़ा सा, ये इधर ही रहने वाला है, हाँ इधर थोड़ा सा कुछ तो क्या बोलते हैं शोपीस वगैरह रखने वाले हैं उन लोग, तो ये अभी फिलहाल के लिए इधर कुछ है बट बाद में रखने हैं, तो अभी जाएंगे बेडरूम में, सेकंड बेडरूम ऑफ द ईयर, लेट्स गो। वाओ क्या ही उजाला है भाई इसके बेडरूम में, अलग ही अलग ही विषय, अलग ही विषय, प्रॉपर खतरनाक बेडरूम एकदम लग्जरियस, मतलब आप बोल सकते हैं कि ड्रीम ड्रीम बेडरूम ऑफ एवरी यंग बॉय, ऐसा बोल सकते हैं इंग्लिश है अपनी आवाज साधा का मेगा। चल इकड़े यस इधर प्रॉपर टीवी, मेरे को नहीं लगता टीवी का कभी वापर होने वाला, क्योंकि मोबाइल का जमाना है, कल्पेश मोबाइल ही वापरेगा, बट ठीक है शाइनिंग के लिए लगाना पड़ता है, लेट गो इधर इधर, और इधर थोड़ा सा आज से शाइनिंग मारने के लिए कभी कभी कल्पेश भाई टिकटॉक नहीं बनाते बट कैसा फोटो निकालने के लिए इधर, और इधर थोड़ा सा ऐसा एरिया है मतलब प्रॉपर ऐसा अगर देखा जाए तो, ये देखो ये भी व्यू, सुबह उठो और ये भी एंजॉय करो, ये जो ना आशी घूमे ऐसा विषय, और एक और एक अभी वापिस आपको सीलिंग, पहले सीलिंग देख लो, सीलिंग देख लो, ये देखो प्रॉपर मतलब सीलिंग है एकदम सिंपल सोफिस्टिकेटेड, खाली उसमें प्रोफाइल पट्टी का जो डिजाइन दिया है ना वो एकदम जबरदस्त लग रहा है, मतलब खाली प्रोफाइल लाइट्स बिठाए, अगर दाखो दाखो अगर देखा जाए ना तो प्रोफाइल लाइट्स है इस पे, कुछ नहीं है ज्यादा बट क्या लग रहा है एकदम एस्थेटिक लुक लग रहा है सब इसका, मेरे को घाम आया बट उसको इग्नोर करो, आ जाओ आ जाओ। और ये है पूरा क्या बोलते हैं वार्डरोब, वार्डरोब देखो, हाँ ये देख लो पहले, फिर ये देखो ये पूरा वार्डरोब इधर, वार्डरोब एरिया, और जो सनमाइक मटेरियल चॉइस किया है ना एक नंबर वो भी चॉइस है, सब क्लीन है क्लियर एकदम कट टू कट है, और आपको दिखाया जाएगा अभी खुफिया खुफिया डोर, जिस डोर की सबको आतुरता है, लेट्स गो इधर दिखाओ, लेट्स गो जूम जूम टन टन टन, स्वर्ग में आ गए हम स्वर्ग में, ये देखो कितना बड़ा, इस पे भी कल भाई ने ब्लैक थीम रखा है, ये देखो इधर प्रॉपर बेसिन
इधर और फिर इधर देखा जाए तो एक इधर शॉवर इन प्रॉपर बोर्ड वाला एकदम जबरदस्त एकदम खतरनाक मतलब अगर ऐसे सर्व मतलब हम लोग ऐसे सर्व सामान्य का बाथरूम देखे इसमें दो बाथरूम तो बैठेंगे मेरे को ऐसे इधर से भिंत लाने के दो बाथरूम बैठेंगे पर ठीक है तो लेट्स गो एक नंबर काम है एक नंबर अभी सेकंड इसमें आई है नहीं नहीं ना नहीं तो आई भूल गई इसको क्या होगा नहीं ये कौन है चलो लेट्स गो अभी थर्ड बेडरूम दिखाते आपको लेट्स गो ओ ये ये है थर्ड बेडरूम मतलब ये डिजाइन को मेरे को देखे ना ऐसा लग रहा है कल्पेश का जब शादी होगा ना उसके बाद उसके पोरे वाले इधर आ सकते हैं मतलब एकदम प्रॉपर मस्त शोभे चीजें लगेगा ये देखो प्रॉपर डिजाइन क्या ही आकार है ये कर्व लिए दोनों साइड में मिरर्स दिए ये खुलता भी है भाई ऐसा हमको खबर कैसे बोलता भाई ऐसा ओ भाई ये देखो ये खुलता भी है जबरदस्त जबरदस्त और इधर अगर देखा जाए तो ड्रॉवर सामान है सामान बस 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 और इधर भी है प्रॉपर ये वार्डरोब और इधर भी थोड़ा सा कुछ शोपीस कर लिया गया फिर कुछ भी रख सकते हैं जो रखने को ओके और इधर है बालकनी मतलब ये बालकनी जिधर आपने झूला देखा था ना वही ये बालकनी उधर ज्वाइन होता है ऐसा विषय और इसमें भी आप उनको दिखाया जाएगा स्वर्ग वाला दरवाजा इधर इधर स्वर्ग का दरवाजा इधर दिख रहा है बट इधर सोफिस्टिकेटेड है ओ भाई ये भी डेंजर है इधर भी खतरनाक सिलेक्शन किया है देखो अरे ऊपर का प्लास्टिक निकालना बाकी है क्या अच्छा प्लास्टिक निकालना बाकी बट इधर का भी मस्त जो सिलेक्शन है ना कलर सिलेक्शन टाइल सिलेक्शन एकदम जबरदस्त है एक नंबर कर दिया भाई चलो अभी ऊपर जाते बंद करने दो भाई नहीं तो उंदीर जाती ये है फोर्थ बेडरूम लास्ट बेडरूम मतलब इसका कुछ ये नहीं किया वर्क नहीं किया फिलर के लिए उसका स्टोर रूम के जैसा उपयोग हो रहा है बट आपको दिखाई दे स्टोर रूम ना हाँ ये देखो ये इधर स्टोर रूम टाइप है फिलर के लिए और इधर ये बेड 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 ना ये देखो भाई कल्पेश ये लेके चल उधर अपन बजाएंगे चल ये स्टोर रूम टाइप है लास्ट बेडरूम था फोर्थ बेडरूम आपको कौन सा बेडरूम पसंद आया फर्स्ट सेकंड या थर्ड वो कमेंट में जरूर बताना तो लेट्स गो आ जाओ फोर्थ चला बहुत मजा हाँ फोर्थ का तो इग्नोर मारो उसको अभी जाएंगे आपको ऊपर तक टेरेस दिखाना बाकी अभी तक और बट अभी जाएंगे ऊपर ऊपर नहीं पहले ऊपर जाएंगे फिर जाएंगे चल आ जाओ ऊपर कुछ दिखा जाएगा लेट्स गो ये आ गए ये हम टेरेस के टेरेस पे आए मतलब ये टेरेस पे नहीं है टेरेस पे आए क्योंकि आपको दिखाना है आपको ये वो किधर है अरे इस पे ये देख नहीं सकते देख नहीं सकते ऊपर जाओगे रुको गाइस मैं तूफानी करता है चालू रहने दे मैं आपको कुछ तो दिखा के आया माँ इलाज नहीं टेंशन की बात नहीं 12 मिनट का ब्लॉग है डायरेक्ट वन स्टॉप ब्लॉग बोलते हैं इसको वन स्टॉप लेट्स गो आए हाय हाँ एकदम ऊपर आए देखो इधर सोलर लगाया है ये देखो सोलर इधर सोलर अभी ये थोड़ा टेरेस के ऊपर का टेरेस है उधर अलग टेरेस है उधर लेके जाता हूँ आपको अभी ये कैमरा लेके आता है मैंने क्या टेंशन की बात नहीं भाई तूफान ही करेगा ओ माय गॉड एकदम इजी यस क्या उतर गए नीचे से और इधर से व्यू देखो ओ भाई क्या ही व्यू है डेंजर व्यू लग रहा है एकदम खतरनाक व्यू चलो अभी जाते हैं नीचे लेट्स गो यस तो ये है टेरेस और टेरेस को एकदम सोफिस्टिकेटेड टाइप का है मतलब ये वाटरप्रूफिंग किया टेरेस पे मतलब पानी का लीकेज का कोई टेंशन नहीं इसको बोलते वाटरप्रूफिंग टाइप ऐसा ही है और ये एकदम मस्त हवा खुली हवा टेंशन की बात नहीं यस कल्पेश भाई इधर आओ दोस्तों क्या लगता है इसके प्राइस बता नहीं मांगती है
नहीं कल भी भाई बोले नहीं तो नहीं, आपको प्राइस बताने की जरूरत नहीं, पूरा एक मतलब आप बोल सकते एक यंग बॉय मतलब अपन जैसे बॉयज है उनका एक ड्रीम हाउस अपन आप बोल सकते हैं, पूरा मतलब एक ड्रीम हाउस की तरह बहुत अच्छा है। और मैं अभी ना इसके बाद आपको दिखाऊंगा सिनेमैटिक शॉट्स प्रत्येक रूम का, प्रत्येक हॉल का सिनेमैटिक शॉट्स दिखाऊंगा, तो वो भी एंजॉय करो। और कैसा लगा ये वन शॉट वन टेक वीडियो? और हाँ एक बात रह गई कि ये पूरा इंटीरियर किया है हमारा एक वन एंड ओनली वन मानूस जो हमने लंदन से बुलाया था, बट वो रहता इंडिया में, और उस नाम शख्स का नाम है कल्पेश गोयल, मतलब जिसका घर उसने इंटीरियर किया खुद का, खुद पूरा किया है। अगर कोई भी इंटीरियर का कुछ भी काम रहे तो मेरे से कॉन्टैक्ट करे, कल्पेश से कॉन्टैक्ट करे, किसी भी कल्पेश से कॉन्टैक्ट हो सकता है, मेरे से कॉन्टैक्ट हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं, जहाँ हमारा टेंशन है। Yes, दोस्तों तो इंटीरियर रिलेटेड कुछ भी काम हो तो ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये जो इंटीरियर रिलेटेड वर्क है कौन सा भी काम रहे, चाहे बड़ा बंगलो हो, चाहे पर्टिकुलर एक किचन हो, चाहे पर्टिकुलर एक बेडरूम हो, तो पूरा काम हम दोनों मिलके ये करते हैं। सो आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए और आपको बजट सब कुछ बताया जाएगा ऑन साइड आके। बट अभी तक जाओ मत क्योंकि व्लॉग पूरा सिनेमैटिक देखना, अपन का सिनेमैटिक मतलब एडिट करने को मजा आता है, तो वो एंजॉय करना है, प्रॉपर एडिट रूम का सिनेमैटिक देता हूँ। लेट्स गो। अगर ये ब्लॉग पसंद आया रहेगा तो कमेंट में जरूर बताना ऐसा ब्लॉग कैसा लगा, रिव्यू था बंगलों का एक पूरा रिव्यू था, कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में जरूर बताना, और लाइक करने को भूलना मत, सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे एक अनोखे और फनोखे ब्लॉग में, लेट्स गो, बाय बाय।